हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज गुलशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या रोल है, किस एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर वन के 3 पार्ट्स हैं जिनको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लिंक उनका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाकर के आप उनको देख सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन द टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे डिपॉजिटरीज के बारे में। ए डिपॉजिटरीज हेल्प्स इंटरेक्टिंग विद द इन्वेस्टर्स थ्रू इट्स एजेंट्स विच आर कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स लाइक बैंक्स। इन्वेस्टर्स हु वांट टू एंजॉय द सर्विस ऑफ ए डिपॉजिटरी इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स शेयर्स हैव टू ओपन एन अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। देखिए, इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं जिनका नाम आपको बताता हूँ। एक है NSDL, एक है CDSL, जिनका मेन जो काम है वो ये है कि वो अपने पार्टिसिपेंट्स के जो क्लाइंट्स हैं उनकी सिक्योरिटीज़ को अपने पास रखने का काम करते हैं। पहले क्या होता था कि जो इशूअर एंटिटीज़ हैं वो अपनी सिक्योरिटीज़ को फिजिकल फॉर्म में इशू कर देते थे, जैसे जो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनको वो फिजिकल फॉर्म में पेपर के फॉर्मेट में प्रोवाइड करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है कि उन सभी को डीमेटरलाइज किया जा चुका है, तो वो जो सिक्योरिटीज़ हैं वो NSDL और CDSL के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रहती हैं। तो डिपॉजिटरीज़ हैं वो क्लाइंटों की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको DP पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से अपने पास रखने का काम करते हैं। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें बैंक्स भी आ जाते हैं, ब्रोकिंग हाउसेज आ जाते हैं, मतलब जो भी डिपॉजिटरीज़ के मेंबर्स हैं वो इस काम को करते हैं। वो अपने क्लाइंट्स के जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, उनको डिपॉजिटरी के पास सेफ रखवाने का काम करते हैं। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज़ हैं, NSDL और CDSL, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कस्टोडियंस की। कस्टोडियंस टाइपिकली वर्क विद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे होल्ड सिक्योरिटीज़ एंड मैनेज बैंक अकाउंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दे मैनेज द ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड मनी आफ्टर ए ट्रेड इज मेड थ्रू द ब्रोकर एंड ऑल्सो कीप्स द अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड मनी। सो जो कस्टोडियंस हैं इनका मेन काम है कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटीज़ को मैनेज करते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, और ये काम करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे, जिसमें DIs हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, उन वो कस्टोडियंस की सर्विसेज को हायर करते हैं। कस्टोडियंस उनके बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस जितनी भी हो रही हैं उन सभी की डिलीवरी को इंश्योर करते हैं। अगर किसी का डिविडेंड आना है किसी पोर्टफोलियो में रखी हुई सिक्योरिटी का, उसको वो उसका ध्यान रखते हैं ताकि वो टाइम पे अकाउंट में पहुंच जाए। इन सभी के काम को करने के लिए कस्टोडियंस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आगे हम देखेंगे सिक्योरिटी एक्सचेंजेस के बारे में। सिक्योरिटी एक्सचेंजेस प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज दैट हैव बीन इशूड एट प्राइजेस एट रिफ्लेक्ट इट्स करंट वैल्यू। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम NSE BSE हेल्प्स द स्टॉक होल्डर्स इन्वेस्टर्स कॉरपोरेट इन गेटिंग ए फेयर वैल्यूएशन ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। इट ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स वैन दे रिक्वायर फंड्स एंड इनकरेज इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इश्योर रेज फंड। तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंजेस हैं बेसिकली इनको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इंडिया में NSE और BSE 2 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें जो ट्रेडर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं वो अपने सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल कर सकते हैं। इसके लिए वो ब्रोकर्स के पास अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और ब्रोकर्स जो हैं वो NSE और BSE के मेंबर्स बन जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं उनके द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा है किसी सिक्योरिटी का मार्केट में वो क्या रहा है, उसके बिहाफ पे एंटायर कंपनी की वैल्यूएशन भी की जाती है और हम अपने पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन भी चेक कर सकते हैं। या फिर कोई कंपनी अपना राइट इशू लेकर के आती है तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस हेल्प करते हैं फंड को रेज करने के लिए, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर्स आर रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। दे सेल न्यू इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स। दे पुट थ्रू द बाय एंड सेल ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। ऑल सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज हैव टू बी कंडक्टेड थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस के रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं। वो कोई भी मार्केट में अगर नई सिक्योरिटीज़ आती है तो वो इन्वेस्टर तक पहुँचाने का काम करते हैं।
ये अपने इन्वेस्टर के बिहाफ पे बाय और सेल के ट्रांजैक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। सेकेंडरी मार्केट के जो ट्रांजैक्शंस जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे की जाती हैं वो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स के द्वारा ही की जाती हैं। आगे हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट बैंक्स का जो मेन काम होता है वो फ़ंड रेज करवा करके देना है। इसके अलावा ये मर्जर एक्वाजिशंस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर फाइनेंशियल एंटिटीज़ दे दैट प्रोवाइड स्ट्रेटजिक एडवाइस टू कंपनीज, गवर्नमेंट एंड अदर ऑन देयर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड अरेंज रेजिंग सच फंड्स ऑन टर्म्स दैट आर मोस्ट स्टेबल टू द कंपनी। तो अगर किसी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास जाकर के कॉन्टैक्ट करेंगे। जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक हैं उनके मैं आपको नाम बताता हूँ, मॉर्गन स्टैनली, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप, बारक्लेज, ये कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो कि कैपिटल रेजिंग एक्टिविटीज़ के अंदर अपने क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं। क्लाइंट्स इसमें कंपनीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट्स हो सकती हैं और अदर एंटिटीज़ भी इसमें कवर हो सकती हैं। ये अपने क्लाइंट्स को सलाह देते हैं कि उनको डिबेंचर्स के तौर फंड रेज करना चाहिए। ये अपने क्लाइंट्स को उनके नीड्स के हिसाब से जो भी सूटेबल इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसके थ्रू फंड रेज किया जाना चाहिए वो उसकी सलाह देते हैं। अगर कोई कंपनी अपने लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट के लिए फंड इकट्ठा करना चाहती है तो बेसिकली उसको डेट की सलाह नहीं देंगे, वो उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की सलाह देंगे ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को उसे इशू कर सके और वो इस बर्डन से बच सके कंपनी, जिससे कि उसको हर साल कुछ ना कुछ फंड उनको देना पड़े। जबकि कुछ कंपनी जो शॉर्ट टर्म के लिए जस्ट अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए या फिर किसी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के फंड इकट्ठा करना चाहती है उसके लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स की सलाह देते हैं। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज ऑफ टेकिंग डिपॉजिट्स, प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड इनेबलिंग पेमेंट सर्विसेज। दे प्रोवाइड एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट फॉर बिजनेस एंड मीट देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स थ्रू फैसिलिटीज सच एज ओवरड्राफ्ट एंड बिल डिस्काउंटिंग। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को डिपॉजिट्स और पेमेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो ये है कि जिनके पास एक्सेस फंड है उनका फंड अपने पास सेव करा जाए और उस फंड को मोबिलाइज किया जाए उस फंड को, ताकि जिनको उस फंड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जाकर उस फंड की यूटिलाइजेशन हो और वहाँ से जो रिटर्न बैंक को आएगी, जो वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को आएगा वो वही बैंक की कमाई हो जाएगी। कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग और सेविंग की एक्टिविटीज़ के अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स पूरा करते हैं अपने क्लाइंट्स की, अपने बिजनेसेस की, बिजनेस क्लाइंट्स की नीड्स को पूरा करते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं और बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उनकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करके रखते हैं ये। आगे हम देखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ इंश्योरिंग लाइफ, प्रॉपर्टी, इनकम अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड एंड लार्ज चार्ज। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज डील विद इंश्योरिंग द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स, वाइल जनरल इंश्योरेंस कवर हेल्थ, मोटर, ट्रैवल एंड अदर एरियाज। वेयर ए सडन लार्ज एक्सपेंस कैन ड्रेल द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ ए हाउस होल्ड और बिजनेस। तो इंश्योरेंस कंपनीज हैं बेसिकली वो रिस्क को कवर करती हैं, चाहे वो बिजनेस का रिस्क हो चाहे वो लाइफ का रिस्क हो। इसमें हम टू सेगमेंट्स को देखते हैं, जनरल इंश्योरेंस का सेगमेंट होता है और लाइफ इंश्योरेंस का सेगमेंट होता है। लाइफ इंश्योरेंस का सेगमेंट होता है तो लाइफ को सिक्योर करते हैं, लाइफ के रिस्क को मिटिगेट करते हैं, और जबकि जनरल इंश्योरेंस है वो प्रॉपर्टीज़ का, बिजनेस का और हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ के रिस्क को कम करते हैं। आगे हम देखेंगे पेंशन फंड्स के बारे में। पेंशन फंड्स आर इंटरमीडियरीज हु आर ऑथराइज्ड टू टेक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एलिजिबल इंडिविजुअल एंड इन्वेस्ट दीज फंड्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूटर्स टू क्रिएट ए रिटायरमेंट कॉर्पस। जो मेन पेंशन फंड्स होते हैं उनका काम होता है पेंशन प्लान्स प्रोवाइड करना, ताकि एक इंडिविजुअल अपनी रिटायरमेंट की एज में आकर के अपना सर्वाइवल कर पाए। उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पेंशन प्लान्स हैं जो, और ये पेंशन फंड्स हैं जो, ये इनके जो प्लान्स होते हैं वो रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स की। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स आर इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट हु ऑफर देयर सर्विसेज इन सिलेक्टिंग एंड मैनेजिंग ए पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज। AMCs हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो उनका और पोर्टफोलियो मैनेजर्स का काम होता है कि ऐसी सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करना जो कि उनके क्लाइंट्स को अच्छी रिटर्न निकाल करके दे सकें। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्क विद इन्वेस्टर टू हेल्प देम मेक ए चॉइस ऑफ सिक्योरिटीज दैट दे कैन बाय बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ देयर नीड्स, टाइम होराइजन,
रिटर्न एक्सपेक्टेशंस एंड एबिलिटी टू बियर रिस्क। जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका जो मेन काम होता है वो क्या करते हैं कि अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके रिस्क एबिलिटी को चेक करते हैं, क्या वो हाई रिस्क ले सकते हैं, लो रिस्क ले सकते हैं, मॉडरेट रिस्क को बियर कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली उनकी गोल और नीड्स के हिसाब से वो प्रोडक्ट्स की सजेशंस उनको देते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर ये वीडियो में आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड बाय बाय।